एके मिश्रा साहब, आज बीजेपी लगता है कि मंथन और चिंतन अमृत निकालेगी। आज बीजेपी लग रहा है और चिंतन से अमृत नहीं निकलेगा। अगर अमृत निकलता तो इनकी क्लियर कट सरकार बनती, तब हम उसको बोलते कि अमृत निकलेगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मंथन और चिंतन किया नहीं था और इनको पता नहीं था, कुछ ना कुछ बीजेपी में खूबियां हैं। देखिए ये सब हुआ क्या, मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि ये बड़ा कांटे का टक्कर होगा। कांग्रेस जो इतना अच्छा परफॉर्म कर गई है उसके पीछे रीजन है, पॉलिटिक्स में हमेशा लोगों को विक्ट्री या परफॉर्मेंस मिलती है तो रूलिंग पार्टी की गलतियों के कारण। बीजेपी ने भी यही किया, ठीक है 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, मोदी जी एक ब्रांड थे, 4 साल से मोनोटोनस नेचर चल रहा था, जो प्रॉमिसेस ये लगातार करते जा रहे थे ये ग्राउंड पे डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, गैप बहुत था। पब्लिक हमेशा चाहती है कि प्रॉब्लम से उसको राहत मिले, चाहे वो टैक्स के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, सख्ती पे सख्ती ये करते चले गए, चीजों को धीरे धीरे करना चाहिए। उसका ये रिजल्ट है कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार थी जो ये दावा करती थी कि हम सुंदर और साफ सुथरी सरकार है, हमारे ऊपर बेदाग हमारी छवि है, वहां पे क्या हो गया आप देख लीजिए। क्लीन स्वीप वाली बात करने वाली बीजेपी आज एमपी और यहाँ पे, जहां पे दोनों जगह ये बहुत अच्छे थे, खैर राजस्थान में देखे तो कुछ इनकी अपनी इंटरनल फाइट भी इनको ले डूबी, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो इंटरनल गुटबंदी थी उसके कारण भी ये आ गया। देखिए इतना अच्छा मैनेजमेंट होते हुए, बूथ लेवल पे इतना अच्छा इन लोगों का नेटवर्क होते हुए, अगर ये इस लेवल पे गिर गए हैं कि एक एक सीट के लिए फाइट करनी पड़ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि 2019 इनके लिए बहुत मुश्किल है। उसके पीछे एक रीजन और है, इनके दो सुपर ब्रांड थे, किसी भी मुख्यमंत्री को तो इन्होंने ब्रांड बनने नहीं दिया एक्सेप्ट योगी, मोदी ही इकलौते ब्रांड थे पूरे इंडिया के लिए। एके मिश्रा साहब, राजस्थान की स्थिति, वसुंधरा चुनाव तो जीत गई लेकिन किंतु परंतु की स्थिति आती है तो फिर डैमेज करना और डैमेज सहना, अशोक गहलोत बाजी मार सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। अगर हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें ना, तो बीजेपी के पास इन कंपैरिजन, देखिए जब आप सत्ता में होते हैं, बीजेपी सेंटर में भी है स्टेट में भी है, तो कुछ नेचुरल यूएसपी आपके पास होते हैं जिसके कारण ये जो है कांग्रेस के ऊपर, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद जो मैनेजमेंट होता है कि अगर मान लीजिए कुछ किंतु परंतु वाली बात आती है, कुछ विधायक चाहिए तो उन विधायकों का समर्थन कैसे लिया जाए, इसमें भी बीजेपी थोड़ा ज्यादा माहिर है। तो मुझे लगता है कि अभी असली रिजल्ट यहाँ पे जो है 3-4 दिन हो सकता है और टाइम लगे, जैसे कर्नाटक वगैरह में हुआ था कुछ गेम वगैरह चले यहाँ पे भी कि कौन हमारी तरफ आ रहा है कौन किसकी तरफ जा रहा है। और एक चीज बता दूं, बीजेपी अगर अभी कुछ बोल नहीं रही है ना, देखिए बीजेपी के नेता अभी आ नहीं रहे हैं कहीं पे, केवल कांग्रेस के नेता है। दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे आर वेल प्लान्ड, जो मुझे लगता है कि जैसे ही अगर ऊहापोह वाली स्थिति हुई, क्लियर कट मैंडेट नहीं हुआ या कुछ कम ज्यादा हुआ, तोड़ना फोड़ना, लोगों को जो मतलब इकट्ठा करना, समर्थन लेना समर्थन देना, ये सारी चीजों का गेम शुरू हो जाएगा। ये 2 घंटे के बाद ये चीजें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, दोनों पार्टियां लगी हैं लेकिन बीजेपी के पास नेचुरल यूएसपी है, क्योंकि ये करंट में भी स्टेट में भी गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टेट में है और सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो एक नेचुरल पावर का प्लस पॉइंट जो होता है वो होता है सिटिंग गवर्नमेंट के पास। पूजा के दरमियान जब पंडित जी ने पूछा तब बताया बीजेपी की तरह उन्होंने भगवान राम का चुनाव आप कोर्ट पर जनाव नहीं दिखाते, मीडिया वाले गलत है, मान गए, चलिए ठीक है मजाक की बात नहीं करते, ठीक है उनके पिताजी मुसलमान, माता ईसाई, तो कैसे हिंदू? मुद्दों पे आते हैं। एके मिश्रा साहब, ये तो तय है कि 2019 भी एक बार फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा, अगर वाकई में बीजेपी योगी को लेकर सीरियस हुई तो। नहीं, ये फैक्ट है। देखिए मैं आपको बताऊं, 4-6 महीने बचे हुए हैं, विकास का कौन सा काम हो सकता है भाई, प्रोजेक्ट को पूरे करने में बहुत टाइम लगता है। इसमें बीजेपी एक बहुत अच्छा चीज कर सकती है कि अगर संविधान में ऐसी कोई गुंजाइश है कि इलेक्शन को 4-6 महीने टाला जा सकता है, तो बीजेपी ये टाइम गेन करने के लिए करेगी। हो सकता है 6 महीने टाल दे, जैसे यूपी में निकाय चुनाव, अगर किसी संविधान विशेषज्ञ से पूछिएगा, नहीं ऐसा संभव नहीं है। नहीं नहीं ठीक है, चलिए अगर संभव नहीं है, नहीं तो देखिए दूसरी चीज है, अब बीजेपी करेगी क्या, फौरी तौर पे ये राहत देगी पब्लिक को, हो सकता है बहुत सारी ऐसी स्कीमें दे, 4-6 महीने में ये क्या करेंगे, ना मंदिर बना पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे एक भी अपने हार्ड कोर्ट, अब क्या ये भारत को विश्वगुरु बना देंगे क्या 6 महीने में? तो सरकार चाहे कांग्रेस की बने स्टेट में, चाहे बीजेपी की बने सेंटर में,
मजा जो है पब्लिक को आने वाला है, बहुत सारी राहत रियायतें, दोनों किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो बीजेपी अभी तक नहीं कर रही थी, या कांग्रेस आ करके इन्फ्लुएंस करने के यही तरीके हैं चार छह महीने में। कोई हार्डकोर अब ये मंदिर तो बनवा नहीं पाएंगे चार महीने में, उसमें बहुत सारे पेच हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा डेंट लग रहा है, ये अब बीजेपी को समझ में आएगा। मोदी जैसे ब्रांड को बनाने में टाइम लगता है सर, चार साल इन्होंने टाइम लगा दिए, फॉरेन से लेके यहाँ तक बड़ी मेहनत की। मुकेश जी कनेक्ट हो गए, अब इनके पास कोई है नहीं कि दूसरा ब्रांड किसको लाएंगे। अब इन नतीजों ए के मिश्रा साहब, ये वाकई में कांग्रेस के लिए ऊर्जा ला रहे हैं नतीजे? ऊर्जा नहीं, पूरी संजीवनी ला रहे हैं। देखिए कांग्रेस की हालत ये हो गई थी लगातार, जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी, सबसे बड़ा क्वेश्चन राहुल गांधी के ऊपर लग रहा था। मैं बोलता हूं अगर ये सरकार नहीं भी बना पाते हैं इन दोनों हिंदी राजस्थान और एमपी में, एक मिनट के लिए मान लीजिए, लेकिन इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आना, वोट बैंक, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ना, जो ये एकदम सिमटते जा रहे थे, 10 सीट, 20 सीट, 25 सीट, इस तरीके से अस्तित्व की लड़ाई थी, ये अस्तित्व एक विशाल का है जो है आप ये समझिए कि पार्टी के रूप में खड़ा होता जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आप कांग्रेस प्लस देखिए, मतलब जो इन लोगों का महागठबंधन बनेगा, अभी तक चैलेंज था, ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं या उसके हेड रहेंगे जो बनेगा हम लोगों का महागठबंधन, इससे राहुल गांधी की दावेदारी एक बहुत जबरदस्त तरीके से मजबूत हुई है। दूसरी चीज, ऑल ओवर इंडिया में कांग्रेस के वर्कर, जो ग्राउंड लेवल के वर्कर है, उनका मनोबल और नई ऊर्जा का संचार होगा, और अभी वो छह महीने तक जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, तो हो सकता है रिजल्ट आगे 2019 में भी बहुत अच्छा आ जाए, और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी 2019। उसके पीछे रीजन है, जितने मुद्दे थे, राम रहीम, ये वो, मंदिर मस्जिद, पेट्रोल, इकोनॉमी, विश्वगुरु, सारे मुद्दे तो इन्होंने यूज कर लिए, योगी भी कर लिए, मोदी भी कर लिया, अब रिजल्ट, अगर इतने मुद्दे यूज करने के बाद अगर रिजल्ट डाउन जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इनका जो मुद्दा है, जो उसके प्रभाव थे, जो उसका मैग्नेटिज्म था, वो लॉस्ट हो रही है, वो खो रही है। अब ये नया मुद्दा क्या लाएंगे? नहीं, ये बात तो कांग्रेस पे भी लागू हो रही है, दोनों पे हो रही है, लेकिन कांग्रेस ग्रो कर, बीजेपी की गलतियों के कारण कांग्रेस को फायदा मिल रहा है। नहीं नहीं, तो फिर इसलिए ये बड़ा निराशाजनक है, ये निराशाजनक, बहुत अच्छे परिणाम नहीं है, मैं ये फिर कहता हूँ, क्योंकि तीन राज्यों में तीन एंटी इनकंबेंसी थी, जितना खराब माहौल था लगातार राजस्थान में, तो ऐसा लग रहा था बिल्कुल खत्म ही हो गई भाजपा, उसके बाद कांग्रेस उसको कैश ही नहीं करा पाई, मध्य प्रदेश में नहीं करा पाई, तो ये बहुत बड़ी हार है कांग्रेस की। वो ये है कि इतना जबरदस्त निगेटिव फैक्टर एंटी इनकंबेंसी होते हुए भी इतनी सम्मानजनक हार या इतने सम्मानजनक सीटें ये मेंटेन करके रखे हैं, दूसरी और कोई पार्टी होती, ये बीजेपी का पूरा पीएम से लेके बीएम यानी प्राइम मिनिस्टर से लेके बूथ मैनेजमेंट तक का जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, ये उसकी खूबी है कि इतने जबरदस्त तरीके से इन्होंने मोर्चा संभाल के रखा हुआ है। कोई और पार्टी, देखिए 2014 में कांग्रेस की यही हालत थी, बीजेपी ने ऐसा इनकैश किया कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया पूरे देश से। तो डेफिनेटली बीजेपी के अंदर कुछ इन्होंने अपने आप को बड़ा इंप्रूव किया है, जो मैनेजमेंट होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, पूरा इन्होंने बदल करके रख दिया है मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, उसी के कारण ये इतना टिके हुए हैं राजस्थान और एमपी में, और अभी भी उनको होप है कि शायद हम सरकार बना ले, नहीं तो ये साफ हो गए होते। मुकेश जी, कांग्रेस नहीं कर पाती, हमारे नेता ने सारे प्रदेशों में रैलियां करके जो माहौल क्रिएट किया है, उसकी वजह से सवाल यही है, अगर इन मुद्दों को आप इनकैश कर लिया होते तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया होता कांग्रेस एमपी से। आप लोग नहीं कर पाए, बीजेपी की गलतियों को आप लोग हाईलाइट भी नहीं कर पाए सर। भाई राफेल का मुद्दा भी पुश हो गया, कहां राफेल का मुद्दा चला? जी, मिश्रा जी, ये नतीजे जो बता रहे हैं एमपी में, जिस तरह के जो नतीजे आ रहे हैं, ये क्या संकेत दे रहे हैं कि शिवराज अपनी क्रेडिबिलिटी कायम रखने में कामयाब हुए, या फिर वाकई में जो है राहुल उस तरीके से कैश नहीं कर पाए? नहीं नहीं, देखिए एक चीज तो फैक्ट है, न शिवराज न मोदी जी ये लोग अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके नहीं रख पाए, ठीक है। दूसरी चीज ये है, ये हर इलेक्शन कांग्रेस के लिए या अपोजिशन के लिए बड़ा गोल्डन चांस होता है, ये लोग उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मुद्दों को इनकैश नहीं कर पाते हैं, एकदम बॉर्डर लाइन पे दोनों लोगों की परफॉर्मेंस है। अगर कांग्रेस चाहती अच्छे तरीके से मल्टी लेयर में अगर ये मैनेज करते ना, तो कांग्रेस ये क्लीन स्वीप वाली कंडीशन में आ सकती थी। ये जो नतीजे हैं ये सिंपल है, ये नतीजा ये है कि पब्लिक उतनी ही पब्लिक बीजेपी से नाखुश है जितनी पब्लिक कांग्रेस, भाई कांग्रेस को इतने वोट क्यों मिले, क्योंकि वो बीजेपी से नाखुश है,
तो बीजेपी के खिलाफ तो ये मैंडेट है ही एक तरीके से, कांग्रेस के फेवर में भी नहीं है। नहीं नहीं, कांग्रेस इसको अपने फेवर में इनकैश नहीं कर पाई। देखिए है क्या, अगर बीजेपी से लोग बहुत खुश होते तो वो क्लीन स्वीप वाला जो है मैंडेट बीजेपी के लिए आ जाता। नहीं अनुजी, फिर ये कांग्रेस के पक्ष में भी कहां है? बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, और मध्य प्रदेश संघ की प्रयोगशाला रही है इस तरीके से माना जाता है, और संघ ने कहीं ना कहीं अपने कैडर पे अपने कामों से और अपने एक वैचारिक और हिंदुत्व के मुद्दे से कम से कम फेलियर है। मैं सबसे बड़ा फेलियर ही आरएसएस का है। अगर मध्य प्रदेश में फाइट दे रहे तब भी ये फेलियर है। देखिए अगर प्रयोगशाला है आपकी और आपका वहां पर तो कोई मतलब एक तरीके से 15 साल आपने काम किया है, आपने हिंदुत्व को प्रयोगशाला बनाकर वहां पर एक एक एक, एक वैकल्पिक ढांचा खड़ा किया है, उसकी एक्सेप्टेंस अगर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है तो ये भाजपा के लिए संघ के लिए चिंता नहीं प्रश्न। आपको बताता हूँ, चावला जी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कृष्ण मतलब महाभारत के युद्ध में पूरी नारायणी सेना लगी है और जीत रहे हैं पांडव। आरएसएस के सारे वर्कर लगे हैं, बीजेपी के सारे वो लगे हैं, हायर्ड एजेंसीज लगी हुई है, बेस्ट मीडिया मैनेजमेंट है बीजेपी का, हर चीज है, उनकी गवर्नमेंट है, केंद्र में है, स्टेट में है, सीएम के चेहरे उनके पास, मुख्यमंत्री के चेहरे उनके पास, पीएम जैसा ब्रांड उनके पास, योगी जैसा जो है हेलीकॉप्टर चीफ मिनिस्टर जो है ब्रांड दूसरे स्टेट से आ रहा है केवल हिंदुत्व के लिए। इतना बड़ा, इतनी बड़ी नारायणी सेना लगाने के बाद भी कौरव युद्ध हार गए थे, तो ये बीजेपी का सेम है। इतनी बड़ी नारायणी सेना, मीडिया, ये वो, मैनेजमेंट, बेस्ट स्ट्रेटजी, इतना मैन पावर, आरएसएस के इतने लोग दिन रात लगे हुए हैं, घर घर जाके कन्विंसिंग कर रहे हैं, लोगों को निकाल रहे हैं कि भाई वोट दीजिए, और इस तब जाके इज्जत बचा पा रहे हैं। नहीं इज्जत भी पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। क्वेश्चन वही है कि इतनी मेहनत, इतनी बड़ी नारायणी सेना लगाई तो इसीलिए कि बॉर्डर लाइन पे जाके अटक जाए? तो ये क्वेश्चन नहीं बीजेपी के लिए, बीजेपी के मैनेजमेंट के लिए। देखिए इससे हुआ क्या, बीजेपी के सारे मुद्दे अब निष्प्रभावी हो गए हैं। आप देख लीजिए, ये ना विकास की बात करेंगे, ना मंदिर की बात करेंगे, ना राम की। ये इलेक्शन के बाद 2019 तक ये करेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। पेट्रोल के दाम सस्ते, फौरी तौर पे जो राहत, जीएसटी टैक्स में राहत, उसमें बिजली में रेट में कटौती, रेलवे में जो है टिकट जो है सस्ता हो गया, फ्री वीज आएंगे, जिसका इम्पैक्ट जो है तुरंत पब्लिक के ऊपर पड़े और पब्लिक रिलैक्स महसूस करे। अब 56 इंच सीने की बात नहीं होगी, अब क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक की बात नहीं होगी, अब बात होगी तुरंत और तुरंत पब्लिक को जो है फौरी तौर पर राहत दिया जाए, और दूसरी चीज विपक्ष को कमजोर करने के लिए और बहुत सारी चीजें, उसको बदनाम करने के लिए आगे चर्चा का विषय अभी तो कर रहे हैं। मुकेश जी, मुकेश जी, और 2014 की बात है, 2014 मुद्दों पे लड़े जाएंगे, फिर 2018-19 प्रधानमंत्री जी को जिससे महंगाई बढ़ रही है उसको बताना पड़ेगा, विदेश से काला धन कितना आया वो बताना पड़ेगा। सर इसमें बताया ना आपने सब कुछ,